Dear student, today we are taking topic formal sectors credit in India. Formal sector credits भारत में कौन कौन से हैं इस बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत बताया गया है. We have seen in the our examples that people obtain loan from various sources. हमने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा है कि लोग जो हैं वो लोन डिफरेंट सोर्स से ऑप्टेन करते हैं. द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स. तो डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स को वेरियस टाइप ऑफ लोन्स को हम जो है उसे ग्रुप कर सकते हैं सुविधाजनक रूप से फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स और इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन में. अमंग द फार्मर्स आर लोन फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. अमंग द फार्मर्स आर लोन्स फ्रॉम बैंक एंड कोऑपरेटिव मीन टू से इफ वी टॉक अबाउट द फॉर्मल सेक्टर्स लोन्स दे फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ loan from the bank and cooperatives. If someone is taking loan from bank and cooperatives, these are the formal sectors loan. The informal lenders include money lenders, traders, employees, relatives and friends, etc. If we talk about the informal sector loans, so isme jo includes hain wo hain money lenders, traders, एम्प्लॉयज, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. आप जो है साहूकार से व्यापारी किसी कर्मचारी या संबंधी से या दोस्त से आप लोन ले सकते हैं. और ये लोन जो है इनफॉर्मल सेक्टर्स लोन की कैटेगरी में आते हैं. इन ग्राफ वन यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया. ग्राफ फर्स्ट जो आप देख रहे हैं इसमें सोर्स ऑफ क्रेडिट पर थाउजेंड्स ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया इन 2012 आप देख रहे हैं. तो ये जो है इसमें ये बताया जा रहा है कि यू कैन सी द वेरियस सोर्स ऑफ क्रेडिट टू रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया. भारत में कौन कौन से सोर्स ऑफ क्रेडिट्स हैं फ्रॉम वेयर द पर्सन्स और पीपल टेक लोन्स, जहाँ से लोग लोन लेते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम द विलेज एरिया. इज मोर क्रेडिट्स कमिंग फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर और द इनफॉर्मल सेक्टर. क्या ज़्यादातर क्रेडिट्स जो है वो फॉर्मल सेक्टर से आता है या इनफॉर्मल सेक्टर से आता है, आप इस पाई चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है वो फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स की फंक्शनिंग को सुपरवाइज करता है. फॉर एग्जांपल्स फॉर इंस्टेंस वी हैव सीन दैट द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव. और जैसा कि आपको पता है कि जो बैंक हैं वो मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन रखते हैं जो वो डिपॉजिट्स लोगों से प्राप्त करते हैं. आउट ऑफ द मिनिमम कैश बैलेंस आउट ऑफ द डिपॉजिट्स दे रिसीव, जो डिपॉजिट्स हैं वो लोगों से रिसीव करते हैं उसमें जो है मिनिमम कैश बैलेंस जो है वो मेंटेन रखते हैं. द RBI मॉनिटर द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस. और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मॉनिटर करता है कि क्या वास्तव में जो है बैंक मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सिमिलरली द RBI सी दैट द बैंक्स गिव लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस. और RBI ये भी देखता है कि बैंक जो है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए तो लोन नहीं दे रहे हैं. बैंक जो लोन देता है वो
प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए तो नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस एंड ट्रेडर्स के लिए तो नहीं है, बट ऑल्सो स्मॉल कल्टिवेटर्स, बल्कि स्मॉल कल्टिवेटर्स के लिए भी ये होना चाहिए जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल कल्टिवेटर्स टू स्मॉल बोरोवर्स एट्सेट्रा, उनके लिए होना चाहिए। आरबीआई ये चीज़ देखता है। आरबीआई सी दैट द बैंक गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, ना केवल वो देखता है कि ये जो है प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस के लिए और ट्रेडर्स को दिया जा रहा है, बट आल्सो इट इज़ सीन बाय द आरबीआई टू गिव द लोन्स टू द स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल borrowers etc. periodically bank have to submit information to the RBI और समय समय पर periodically जो है fix interval times में जो है bank जो है इस से संबंधित जो information है relative वो जो है RBI को submit करते हैं। on how much they are lending to whom, और वो कितना credit किसको दे रहे हैं, एट वाट इंटरेस्ट रेट, और किस इंटरेस्ट रेट पर दे रहे हैं। देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन विच सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ द लैंडर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और ऐसा कोई संगठन नहीं है जो इनफॉर्मल सेक्टर्स की लैंडिंग की क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे। दे कैन लैंड एट वाट एवर इंटरेस्ट रेट्स दे वांट, और वो किसी को अगर पैसा बोरो देते हैं, लैंड करते हैं, तो वो जिस इंटरेस्ट पर करते हैं दे चूज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चूजन बाय द लैंडर्स। देयर इज नो वन टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग अनफेयर मीन्स टू गेट देयर मनी बैक, और ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि कोई उनको रोके कि वो अपने मनी को बैक करने के लिए, मनी लेने के लिए एंड फिर मीन्स का यूज ना करें कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स। और अगर हम फॉर्मल लैंडर्स से कंपेयर करें तो मोस्ट ऑफ द इनफॉर्मल लैंडर चार्ज ए मच हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अगर हम फॉर्मल लैंडर्स की बात करें, कंपेयर टू द फॉर्मल लैंडर्स की बात करें, तो ज़्यादातर इनफॉर्मल लैंडर्स जो हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हैं ऑन लोन्स चार्ज करते हैं। थस द कॉस्ट टू द बोरोवर ऑफ इनफॉर्मल लोन इज मच हायर, इसलिए जो है जो इनफॉर्मल लोन्स की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द बोरोवर्स ऑफ इनफॉर्मल लोन्स, और जो बोरोवर को कॉस्ट पड़ती है इनफॉर्मल लोन्स की, वो बहुत ज़्यादा रहती है। हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मीन्स ए लार्ज पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द बोरोवर इज यूज टू रिपे द लोन, और हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग का मतलब ये होता है कि अर्निंग का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बोरोवर के द्वारा लोन के रूप में रिपे किया जाता है। हैंस बोरोवर हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर देम सेल्फ, और इसलिए बोरोवर के पास बहुत कम इनकम बाकी बचती है। श्यामल इन सोनपुर यू हैव सीन इन सर्टेन केसेज द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बोरो करने पर, इसका मतलब ये है कि द अमाउंट टू बी रिपेड इज ग्रेटर देन द इनकम ऑफ द बोरोअर, और इसका मतलब ये है कि जो बोरोअर की इनकम है उससे ज़्यादा उसको जो है चुकाना है। दिस कुड लीड टू द इंक्रीज डेट्स, और इससे जो है डेट ऋण ज़्यादा बढ़ेगा। रामायण सोनपुर एंड यू सी दैट दे फॉल्स इन डेट ट्रैप, ऑल्सो पीपल हु माइट विश टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज बाय बोरोइंग मे नॉट डू सो बिकॉज ऑफ़ द हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, और जो लोग जो हैं अपना एंटरप्राइज शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उधार लेकर, तो वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि देयर इज ए हाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग।
उधार लेने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। फॉर दीज रिसोर्सेज इन रिसोर्सेज फॉर दीज रीजन्स बैंक एंड कॉपरेटिव सोसाइटी नीड टू लैंड मोर, और इसलिए बैंक और कॉपरेटिव सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देना चाहिए। दिस विल लीड टू द हायर इनकम्स एंड मैनी पीपल्स कुड देन बोरो चीपली फॉर अ वैरायटी ऑफ नीड्स, और इसलिए जो है ये जो है दिस वुड लीड टू द हायर इनकम, ये हायर इनकम लोगों की करेगा और बहुत सारे लोग जो हैं फिर आसानी से चीपली बोरो कर सकते हैं बहुत सारी अपनी ज़रूरतों के लिए। दे कुड ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, डू बिजनेस, बिजनेस कर सकते हैं, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। दे कुड सेटअप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन कोर्स और नई इंडस्ट्रीज लोग लगा सकते हैं और गुड्स में व्यापार कर सकते हैं। चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और चीप सस्ता और अफोर्डेबल क्रेडिबल जो एक अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशियल से इम्पोर्टेंट है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट हु गेट्स वाट, तो ग्राफ टू यू आर वॉचिंग ऑन दिस पेज इट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल्स ऑफ क्रेडिट फॉर द पीपल इन अर्बन एरिया, और आप देख रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट लोगों के लिए किस तरह से अर्बन एरिया में इम्पोर्टेंट है। द पीपल्स आर डिवाइडेड इन टू फोर कैटेगरी, और लोग जो हैं दो फोर कैटेगरी में बटे हुए हैं, फ्रॉम पुअर टू रिच, रिच से पुअर से लेकर रिच तक, एज शोन इन द फिगर्स। यू कैन सी दैट 85% ऑफ द लोन्स टेकन बाई द पुअर हाउस होल्ड इन द अर्बन एरिया आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेज, और आप देखते हैं कि 85% जो लोन्स है जो गरीब फैमिलीज के द्वारा अर्बन एरिया में ले जाता है दैट इज टेकन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स। कंपेयर दिस विद द रिच अर्बन हाउस होल्ड, और अगर हम रईस अर्बन हाउस होल्ड अर्बन फैमिली के उससे कंपेयर करें तो हाउ डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं, ओनली 10% ऑफ द देयर लोन्स आर फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्स, उसमें से केवल 10% लोन ही जो है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से आता है, वाइल 90% आर फ्रॉम फॉर्मल सोर्स, और उसमें से जो है 90% अर्बन पीपल जो हैं दे टेक लोन फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स। सिमिलर पैटर्न इज आल्सो फाउंड इन रूरल एरिया, और यही पैटर्न जो है रूरल एरिया में रिच हाउस होल्ड जो है वो चीप एंड चीप क्रेडिट अवेल करता है फॉर्मल लेंडर से, वेयर एज द पुअर हाउस होल्ड हैव टू पे ए लार्ज अमाउंट फॉर बोरिंग, और जबकि गरीब फैमिली को जो है लार्ज अमाउंट पे करनी पड़ती है बोरो अगर वो बोरो करता है तो। व्हाट डज ऑल दिस सजेस्ट, कि कैसे सजेस्ट करता है, फर्स्ट द फॉर्मल सेक्टर्स स्टिल मीट ओनली अबाउट हाफ ऑफ द टोटल क्रेडिट नीड्स ऑफ द रूरल पीपल्स, और ये है कि फॉर्मल सेक्टर जो है केवल हाफ लोगों की आधे लोगों की जो टोटल क्रेडिट नीड्स है उसको फुलफिल करता है, द रिमेनिंग क्रेडिट नीड्स आर मेट फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर, और बाकी जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर से पूरी की जाती है। मैनी लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लेंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू लिटिल इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर्स, और ज़्यादा लोन जो है इनफॉर्मल लेंडर्स से ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैरी करता है और बहुत कम इनकम जो है वो बोरोवर्स को होती है, उसकी इनकम बहुत कम बढ़ती है। थस देर इज ए नेसेसरी दैट बैंक आर कोऑपरेटिव्स इंक्रीज, बैंक एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग पर्टिकुलरली इन द रूरल एरिया, और बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपनी लैंडिंग जो है विशेष रूप से रूरल एरिया में बढ़ानी चाहिए, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रिड्यूस, जिससे कि जो लोगों की जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर लोगों की डिपेंडेंस है वो